इस फिगर को देखिए, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल और उसके अंदर एक ट्राइंगल बनता हो, मिड पॉइंट को टच करता हो, यानी उसके साइड ट्राइंगल के मिड पॉइंट को टच करते हो, तब कैसे फाइंड करेंगे? आपके लिए बहुत इजी होगा। वन, ये वन और ये वन और ये वन। अब बाहर वाला ट्राइंगल 4+1=5 ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल कितने हुए? 5 ट्राइंगल। इस फिगर को और थोड़ा एडवांस कर देते हैं हम। इस तरह से फिगर दी हो तो कैसे आप फाइंड करेंगे? चलिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। सेंटर वाले ट्राइंगल का 4, उसके बाहर वाले ट्राइंगल का 4 और बाहर का एक ट्राइंगल 4+4+1=9, टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 9। एक और ऐसे ही एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस फिगर में कितने ट्राइंगल है? 4 ट्राइंगल है। अब हम 4 ट्राइंगल की काउंटिंग करते हैं। अंदर के ट्राइंगल के 4, उसके बाद के ट्राइंगल का 4, उसके बाद के ट्राइंगल का 4 और बाहर का एक ट्राइंगल 4+4+4+1=13। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। इस फिगर को देखने से पहले आप इस फिगर को देखिए जिसे आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं। इस फिगर का आंसर क्या है? 9। अब तीनों कॉर्नर पे देखिए, दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले कॉर्नर का 2, दूसरे कॉर्नर का 2 और तीसरे कॉर्नर का 2। 9+2+2+2=15। अब सॉल्व करेंगे इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल। अब देखेंगे हम लास्ट ट्रिक इस वीडियो की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिसकी वजह से ऐसी फिगर की नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, कभी भी फिगर ऐसा आए विच इज, देखेंगे 1 1 1=3। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 3, राइट हैंड साइड 1 1 1 3, मतलब हर तरफ से 3 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तब क्या करना है आपको? तब आपको ध्यान में रखना है सब तरफ से सेम ट्राइंगल बनते हो। जैसे पहली फिगर में कितने ट्राइंगल है? हर तरफ से 3 ट्राइंगल है। एन क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। और एन 3 है तो हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 13। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए? 13। चलते हैं अगली फिगर की तरफ, इसे देखकर आप और आसानी से समझ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 1 1 5, नीचे से हम देखेंगे 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड 1 1 1 1 1 5, एन क्या हुआ हमारा? 5। अगर एन हमारा 5 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 48।